तेरी जिंदगी बड़ी बनाऊंगी, प्रॉमिस। नमस्कार दोस्तों, काजोल की नई फिल्म आई है जिसके बारे में चर्चा करेंगे और इस फिल्म का नाम है सलाम वैंकी। इस फिल्म का निर्देशन साथिया तूने क्या किया, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लो भाई। इस फिल्म का निर्देशन रेवती ने किया है, रेवती ने कमाल का फिल्म का निर्देशन किया है, काफ़ी शानदार टाइप का। तो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, उनका जो डायरेक्शन है काफ़ी अलग लेवल का रहता है। उनकी दो तीन फिल्में आ चुकी है बतौर डायरेक्टर, तो सलाम वैंकी नाम की एक नई फिल्म आई है, आइए बातचीत करते हैं। काजोल भी है, कमल सदाना भी है, आमिर खान भी है, राहुल बोस भी है और राजीव खंडेलवाल भी है, मतलब लंबे चौड़े स्टार कास्ट वाली यह फिल्म है। जब फिल्म की स्टार कास्ट इतनी लंबी चौड़ी है तो फिल्म की कहानी भी थोड़ी वाइड होनी है। फिल्म की जो मुख्य कहानी है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की कल्ट क्लासिक फिल्म यानी कि आनंद से उठाया गया। आनंद फिल्म में एक बहुत ही शानदार टाइप का डायलॉग है, तो इसी के इर्द गिर्द ये जो पूरी फिल्म है सलाम वैंकी उसकी कहानी लिखी गई है। विशाल जेठवा इस फिल्म में एक ऐसे युवा का किरदार निभा रहे हैं जो पैरालाइज से मतलब व्हील चेयर में बैठे रहते हैं, उनकी मम्मी का किरदार काजोल निभा रही है और इन दोनों के इर्द गिर्द इस फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। विशाल जेठवा को पता है कि वो मरने वाले हैं, मतलब गिन गिन के मैं करम अगोरा इस टाइप का है, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है उन्हें पता रहता है, तो उनकी एक लास्ट इच्छा रहती है उसे पूरा करने के लिए वे अपनी मम्मी से लड़ते हैं। वहीं उनकी मम्मी यानी कि काजल उनकी लास्ट विश किसी भी हालत में पूरी करना नहीं चाहती। अब क्यों काजल अपने बेटे की लास्ट विश पूरा नहीं करना चाहती, यही फिल्म की पूरी कहानी लिखी गई है। फिल्म का जो पहला पार्ट है काफ़ी स्लो है, दूसरा पार्ट भी स्लो है, मतलब फिल्म की जो कहानी है काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी है। फिल्म की जो कहानी है इमोशनल है, आप देख के मतलब कहीं कहीं अगर आप इमोशनल आदमी हो तो रोज़ आओगे, लेकिन कहानी का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा स्लो है, मतलब स्पीड से नहीं चलती, कहीं कहीं स्लो हो जाते हैं, आप सोने लग जाओगे, आप मोबाइल चलाने लग जाएंगे, हेलो बाबू सोना करने लग जाओगे, मतलब थोड़ा सा स्लो है लेकिन रफ्तार पकड़ने में काफ़ी देर लगाती। आमिर खान का भी एक्सटेंडेड कैमियो है जो ठीक ठाक है, उतना मतलब जिस तरह से प्रसारित किया गया था उस टाइप का नहीं है। राजीव खंडेवाल राहुल बोस का काम फिल्म में काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर सलाम वैंकी एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको आइटम नंबर मास मसारा बार बार स्लो मोशन में एंट्री ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस फिल्म में आपको कमाल की कहानी, जीवन जीने का असली तरीका, कोर्ट ड्रामा और अच्छे अच्छे स्टार की अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। फिल्म के जो मेन हीरो है विशाल जेठवा है, पूरी फिल्म में मतलब आपको विशाल जेठवा की जो परफॉर्मेंस है दिल छू जाएगी। और कहने को तो इस फिल्म में सारे स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इन बड़े स्टार्स की भीड़ में विशाल जेठवा अपनी छाप छोड़ जाते हैं और वो प्रूव कर देते हैं अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी स्टार हो, कितना ही बड़ा स्टार हो, आप अपनी जगह बना ही लेंगे। अगर फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो फिल्म की पॉजिटिव पॉइंट इसकी स्टार कास्ट है। इस फिल्म में आमिर खान, राजीव खंडेलवाल, राहुल बोस और काजोल मुख्य भूमिका में दिखाई दिए हैं, कमल सदाना भी है काफ़ी टाइम बाद, तो सबका जो काम है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है, मतलब स्टार एक्टिंग के मामले में फिल्म एकदम एवन है। वहीं फिल्म की नेगेटिव पॉइंट अगर बात की जाए तो फिल्म की जो कहानी है काफ़ी यूनिक है, कहानी काफ़ी शानदार है, लेकिन कहानी को जो जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है काफ़ी स्लो लगती है। रेवती का डायरेक्शन अच्छा है, उनकी बाकी फिल्मों से भी अच्छा है, लेकिन यहाँ रेवती मार खा जाती है और थोड़ा कहानी स्लो हो जाता है जो दर्शकों को बोर कर देता है। कुल मिलाकर सलाम वैंकी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ जीवन जीने का सलीका सिखाएगी, जीवन कैसे जिया जाता है उस पर बताएगी, और आनंद फिल्म का जो सार है जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए ये सब चीज़ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो यह रहा मेरा फिल्म का रिव्यू, आप जाइए पिक्चर देखिए और मुझे बताइए कि पिक्चर आपको कैसा लगा।